नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत समय अपनी चाल दुगुनी कर दे, अजीत अपनी यदि अजीत उस यदि अजीत चाल यदि अजीत अपनी चाल यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे, अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगते हैं। यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाई देखिए ये बीजगणित है, तो बीजगणित में जो चीज़ पता नहीं रहता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लें, क्या यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे माना 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 क्या माना कि अजीत की चाल, अजीत की चाल कितनी है भाई, यक्स किमी प्रति घंटा है, यक्स किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक है, और अमित की चाल, अमित की चाल कितनी है तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मान लिया उन लोगों ने, तो अब दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे तथा कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है तो 30 किलोमीटर है, कुल दूरी 30 किलोमीटर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुल दूरी जो है एगो है कि 30 किलोमीटर है। ठीक है, और 30 किलोमीटर की दूरी अब जो है, अगर हम लोग मानते हैं कि अजीत की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह अजीत जो है 30 किलोमीटर की दूरी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह 30 किलोमीटर की दूरी 1 किमी प्रति घंटा की चाल से अजीत तय करेगा तो समय कितना लगेगा, क्योंकि समय देखिए समय से ही जो है इसकी तुलना करेंगे, क्योंकि समय दिया है 2 घंटे का समय अधिक लगता है। तो हम लोग समय निकालते हैं कि अजीत की चाल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेता होगा अजीत, तो यहाँ लिखेंगे अजीत का समय। ठीक है, अजीत का जो समय है वह कितना होगा, तो अजीत का जो है 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर लिखेंगे अजीत का समय, अजीत का लगा समय किसमें, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो कितना होगा, समय बराबर क्या होता है तो दूरी अब बटे चाल होता है ना जी, तो दूरी बटे चाल कर देंगे, और दूरी कितना है तो 30 किलोमीटर, और चाल कितना है तो 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अजीत का समय कितना लग जाएगा, 30/1। ठीक है, और जो है अमित का समय कितना लगेगा, अमित का समय तो अमित का समय बराबर दूरी अब बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 30, और चाल कितना है वाई किलोमीटर। ठीक है, तो अजीत का जो है समय 30/1 किलोमीटर, 30/1 घंटा, और अमित की जो है समय कितना लगेगा तो 30/y घंटा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगते हैं, यानी कि अजीत जो है अधिक समय लगाता है। ठीक है, अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगते हैं, हमेशा जो अमित से जो है 2 घंटे लेट यह अजीत पहुंचता है, यानी कि अमित अगर 5 घंटा में पहुंचता है तो अजीत कितना घंटा में पहुंचता होगा, 7 घंटा में। यदि मान लो कि यदि अमित जो है 8 घंटा में पहुंचता है तो अजीत जो है 10 घंटा में पहुंचता है, यानी कि इन दोनों के समयों का अंतर कितना का हो रहा है, 2 घंटे का। यही ना कह रहा है कि हमेशा 2 घंटा जो है अधिक लगता है अजीत को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है इनके समयों का अंतर जो है निकाल के एगो समय ए समीकरण बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसके समयों का अंतर कितना है,
2 घंटे का है, तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, इन दोनों के समयों का अंतर हो जाएगा कितना, 2 घंटा। ठीक है, तो इन दोनों के समयों का हावर जो है भाई, समय यही है ना इन दोनों का, तो इन दोनों के समयों का अंतर कितने का हो रहा है, 2 घंटे का। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार, ठीक है ना, दूसरे शर्त अनुसार, दूसरे शर्तानुसार, दूसरा शर्त क्या कहता है, कह रहा है कि यदि अजीत अपनी, यदि देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि यदि अजीत अपना समय, अपनी चाल, यदि अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। यानी कि कौन अपना सच चाल दुनी कर रहा है, तो अजीत, तो यानी कि अजीत की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब जो है कितना कर देगा अपना चाल, 2x किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा। ठीक है, तो अब जो है प्रश्न के दूसरे शर्त के अनुसार अजीत की चाल कितनी हो जाएगी, तो 2x। प्रश्न के शर्त के दूसरे शर्त के अनुसार अजीत की चाल, अजीत अजीत की चाल, तो अजीत की चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर, यानी कि 2x, मतलब पहले चाल का दुगना हो जाएगा, तो 2x किमी प्रति घंटा हो जाएगा, 2x किमी प्रति आवर हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो जब अब यह इस चाल से अगर दूरी 30 किलोमीटर का तय करेगा, तो इसे जो है कितने से, अमित से जो है 1 घंटा कम समय लगेगा। यानी कि अब अजीत की चाल अगर निकालें, अजीत की चाल, तो अजीत का जो है चाल हो जाएगा, अजीत का चाल कितना हो जाएगा, 30/2x हो जाएगा अजीत की चाल। अजीत का नहीं, अजीत को समय निकालेंगे ना, चाल तो निकाल दिए 2x, अब समय निकालेंगे, तो अजीत का समय कितना हो जाएगा, अजीत का समय हो जाएगा 30/2x। ठीक है, ये हो गया अजीत का समय। ठीक है, और अमित का समय निकालते हैं, तो अमित का समय जो है क्या रहेगा, अमित को कितना समय लगाएगा, वह तो वही समय लगाएगा 30 बटे, मैंने अमित का समय निकालते हैं तो 30/y हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के समयों का अंतर जो है कितने का होगा, 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटा समय कम लग रहा है अब किसका, अमित का। यदि अजीत अपनी चाल दूनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगता है, यानी कि अब अमित का चाल अधिक हो जाएगा 1 घंटा, किससे, अजीत से। ठीक है, तो अमित के चाल में से, अमित के समय में से अगर अजीत का समय घटाएं तो अंतर कितने का आएगा, 1 घंटे का। ठीक है, क्योंकि अब अमित का चाल बढ़ जा रहा है, समय बढ़ जा रहा है, अमित का समय बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर अजीत अपनी चाल दूनी कर दे रहा है तो यह जो है पहले पहुंचेगा, अमित 1 घंटा लेट से पहुंचेगा, यानी कि अमित के समय में से जो है अजीत का चाल घटा दिया, समय घटा दिया जाए। ठीक है, अमित के समय में से, अमित का जो समय है 30/y माइनस 30/2x करने पर 1 घंटे का अंतर है। ठीक है ना, अब अंतर बदल गया। ठीक है, तो 1 घंटे का अंतर अब हो रहा है। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, तो 15 यानी कि 30y माइनस में 15/x बराबर हो जाएगा 1 बराबर 1। ठीक है, इसको जो है समीकरण नंबर, हम लोग देखिए अब इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब 2 समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो दोनों समीकरणों को अगर हल करते हैं तो हल हो जाएगा ना, कैसे हल होगा, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं तो सही रहेगा ना। तो देखिए इस समीकरण, देखिए मैंने जैसे कि अगर इसके क्रम के हिसाब से अगर समीकरण नंबर 2 को लिखा जाए तो या करके, ठीक है, तो यह जो है क्या हो जाएगा, 15/ माइनस में 15/x और प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 30/y।
क्योंकि माइनस में 15 बटा x पहले रख रहे हैं, इसके हिसाब से मैंने 30 बटा x पहले, मैंने x पहले है तो इसमें भी x को पहले रख रहे हैं, y को बाद में रखते हैं, तो y प्लस में है, x माइनस में है, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं या करके बराबर 1, ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं या करके। तो समीकरण नंबर 1 2 इसी को मानते हैं या करके जो लिखे हैं, क्योंकि अब मान लीजिए इसको जो विलोपन विधि से हल करने में आसानी रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस में 30 बटा y है और यहाँ माइनस में 30 बटा y है, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो आराम से एक पद गायब हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ देते हैं इसको, तो 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2 है समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 क्या है कि माइनस में 15 बटे x और प्लस में 30 बटे y बराबर जो है क्या है, तो 1 है, ठीक है। अब जोड़ देते हैं तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बटे x और माइनस में 15 बटे x बराबर हो जाएगा 2, और जोड़ रहे हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए, तो 30 बटे x में से 15 बटे x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बटे x बराबर हो जाएगा 3, तो x का इसमें गुणा हो जाएगा तो 15 बराबर हो जाएगा 3x, तो 3 इधर आ जाएगा तो 15 बटे 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x, तो 3 5 15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x का मान कितना निकल गया 5, तब x का मान जो है किसी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर जो है किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर जो है 2 में रख देते हैं हम, तो x बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। अब जो इसमें रखते हैं तो जो है क्या हो जाएगा, माइनस में 15 बटे 5 और प्लस में 30 बटे y बराबर है 1 के, तो 5 3 15 3 हो जाएगा, माइनस में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 30 बटे y बराबर हो गया 1 है, बराबर हो गया 1। अब जो है क्या करेंगे, 3 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में 3 है और प्लस में 30 बटे y बराबर 1 हो गया, तो अब माइनस 3 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 30 बटे y बराबर क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 3, यानी कि 30 बटे y बराबर हो जाएगा 4। अब y यहाँ कर दीजिए और 4 को यहाँ कर दीजिए, मैंने 4 को y के स्थान पे और y को जो है 4 के स्थान पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो 30 बराबर हो जाएगा 30 बटे में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा वाई, माने देखिए एक एक स्टेप अगर हम छोड़ते हैं तो ऐसे होगा, नहीं तो अगर एक स्टेप लेके चलते हैं तो वाई का 4 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 4y होगा, 30 बराबर 4y हो जाएगा। तो 30 बट अब वाई को जो है यहीं रहने देते हैं, यहाँ जो है दोनों में गुणा का संबंध है तो 4 यहाँ पे आएगा, तो 30 बटे 4 हो जाएगा बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब 30 में 4 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 4 4 7 28 7.5 आएगा, 4 5 20 है, तो अगर 30 में 4 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 7.5, तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7.5, ठीक है। तो अब इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अजीत की चाल कितनी है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे लिख दीजिए। अतः अजीत की चाल, पहले हम लोग अजीत के चाल ना निकले हैं माने हैं, तो अजीत की चाल यानी कि x का चाल 5 आया है, तो अजीत की चाल कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अजीत की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर, और अमित की चाल कितनी हो जाएगी, अमित की चाल कितनी हो जाएगी, तो कितना आया है वाई का मान 7.5, तो 7.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर होगा।
और सवाल समझ में आता है तो ये वो मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि मनोहरे के सभी मैथ को पढ़ने हैं तो। देखो भाई, अभी तक जो हमने कितना परसेंटेज आया है इस चैनल से, रानू राजपूत ने जो है पढ़ा है तो 79% आया है, ठीक है, 79%, ठीक है। यानी कि समझिए कि अब हम जो है 80% के लिए जो है सवाल बता चुके हैं, ठीक है। अब 80% से जो अधिक नंबर लाना चाहते हैं आप लोग, 90 के करीब, 95 के, तो सभी सवालों को देखते जाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग यदि मनोहरे के कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो, ठीक है। तो इसके लिए जो है फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।